हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे 36 इंची सीना का ब्लाउज। ये पीछे में बैक डिजाइन बनेगा, तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला हम दोनों अलग अलग कटिंग करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये है, हमने कपड़ा कटिंग करके निकाल रखा है। 9 इंची और 1 इंची एक्स्ट्रा लिए हैं, 1.5 इंची सिलाई मार्जिन के लिए। तो आप भी अपना जितना साइज हो उतना ले सकते हैं और उसके बाद सिलाई मार्जिन ले। उसके बाद ये देखिए मैं कटिंग करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर 9 इंची आ रहा है और यहाँ से 1 इंची सिलाई मार्जिन है, तो इसको हम बनाएंगे। ये देखिए इसका लंबाई देखेंगे 15 इंची है, ये 13 इंची पर तैयार हमको रखना है। तो हम यहाँ से पहले गला निकालेंगे, यहाँ से गला हम बनाएंगे 2.25 इंची पर। ये इसमें लगेगा डोरी, तो 2.25 इंची पर हम बनाएंगे। अब यहाँ से हम तीरा देंगे 2.5 इंची पर, जिनका है उनका ज्यादा तीरा नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। काखी का गहराई हम लेंगे यहाँ से 5 इंची पर। ये देखिए यहाँ 5 इंची है, इसको हम ऐसे करके सीधा कर देंगे। इधर भी हम देखेंगे 5 इंची। ये बड़ा वाला पल्ला है 1 इंची, तो हम आगे के पल्ला बनाएंगे और 1 इंची छोटा रहेगा वो हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। तो ये 1 इंची बड़ा है, ये 15 इंची पर है, ये 14 इंची पर है। अब यहाँ से हम काखी का गुलाई देंगे। आगे का पल्ला है तो हम आधा इंची का ही गुलाई देंगे, तो आधा इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे और इसको यहाँ बनाएंगे। ये देखिए इसको यहाँ से लाएंगे गोल। अब यहाँ पर हम 9 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे, नीचे भी 9 इंची। अब इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम गला बनाएंगे 6 इंची पर। आगे का गला ज्यादातर 6 इंची ही रहता है। अब जिनको ज्यादा होता है पहनना, वो अपना ज्यादा आधा इंची से ज्यादा ना बढ़ाएं, 6.5 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए आगे का गला। ये देखिए मैं 6 इंची पर बना रही हूँ, ये 6 इंची बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे गुलाई देंगे। अब यहाँ से हम बनाएंगे टेकिन के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से तीरा के ऊपर से यहाँ लेंगे, ऐसे करके निशान लगाएंगे। गला के नीचे से हम 3 इंची पर निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 3 इंची पर निशान लगाएंगे। यहाँ देखेंगे ऐसे करके, अब 9 इसका हम आधा कर देंगे ऐसे करके, यहाँ निशान लगाएंगे। अब इसके सेम ऊपर ही निशान लगाएंगे ऐसे करके, और 2 इंची पर यहाँ से हम ऐसे करके बनाएंगे। इधर से भी हम यहाँ पर ऐसे करके निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच, ये 2 इंची का गैप होना चाहिए। 1.5 इंची, 2 इंची, 1.25 इंची का भी रख सकते हैं, जिसका जितना साइज होता है उतना रखें। तो देखिए ये आगे का पल्ला हो चुका है, निशान लग चुका है। अब हम इसी पर कटिंग करेंगे। देखिए ऐसा करके बनके तैयार होगा। अब हम यहाँ से बीच का सेंटर निकाल देंगे, ये आगे से खुला बनेगा, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे और हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। ये देखिए आगे का पल्ला इस तरह से रेडी होगा। अगर आप अस्तर वाला बनाएंगे तो इसको ऐसे ही रख दे अस्तर पर चिपका के और बना ले, नहीं तो नॉर्मल है तो ऐसे ही रहेगा। ये देखिए आगे का पल्ला हो चुका है, अब हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। तो ये इसका पूरा है 10 इंची, लेकिन मुझे चाहिए 9 इंची, तो 9 इंची इसका तैयार होगा।
9 चौका 36 और 1 इंची इसमें सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ से हम गला लेंगे 2.25 इंची पर, यहाँ पर लगाएंगे। अब हम तीरा लेंगे यहाँ से 2.5 इंची। काकी का गहराई हम देंगे 5 इंची पर, यहाँ पर भी देख लेंगे 5 इंची। अब इधर से हम 9 इंची पर निशान लगाएंगे, नीचे भी 9 इंची। अब ये जो कपड़ा बच गया इधर का, ये होगा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम काकी का गोलाई देंगे, पीछे का पल्ला है तो हम 1 इंची पर देंगे, ऐसे करके। अब हम पीछे का गला बनाएंगे यहाँ से 9 इंची पर, यहाँ पर भी हम देख लेंगे नीचे 2.25 इंची। अब इसको हम यहाँ से एक बॉक्स पहले बना देंगे, उसके बाद हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 3 इंची पर इसका डोरी बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए ऐसा करके दिखा। अब इसको हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर है 9 इंची, तो इसको हम हाफ कर देंगे। आप चाहे तो 1/2 इंची कम भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही पर। अब यहाँ से हम इसका टेकिन बनाएंगे पीछे का, तो यहाँ से हम 4 इंची पर बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। और ये पीछे का पल्ला है तो 1/2 इंची आप कटिंग दे सकते हैं, ऐसे करके। अब हम इस पर कटिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसा करके, ये देखिए ऐसा गला बनेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।